टॉप 10 डेंजरस डॉग इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्ते। हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और साथ ही आपका प्यारा पेट भी। अरे हाँ, पेट से याद आया कि डॉग को पुराने जमाने से ही इंसान का सबसे वफादार दोस्त माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में कई ऐसे डॉग ब्रीड हैं जो काफ़ी ज़्यादा खूंखार और ख़तरनाक हैं? और इतना ही नहीं, इन डॉग को कई देशों में बैन तक किया जा चुका है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन डॉग्स के बारे में तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले जो हमारे नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल टॉप 10 हाईएस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। 10 ग्रेट डेन, इस नस्ल को ट्रेनिंग के बाद ही पाला जाता है। ये काफ़ी आक्रमण होते हैं। अगर इन्हें बिना ट्रेनिंग के पाला गया तो ये आपकी जान ले लेंगे। इन्हें क्लिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। इनका वजन 90 किलो तक जाता है। 9 बक्सर, इन्हें शिकारी कुत्ते भी कहा जाता है। ये अपने जबड़े से शिकार को 10 मिनट में नोच लेते हैं। इन्हें सिक्योरिटी के लिए पाला जाता है, लेकिन कई बार ये अपने पालने वालों पर ही अटैक कर देते हैं। इनका वजन 30 से 32 किलो तक जाता है। जर्मनी में विकसित बक्सर एक छोटे कद की मध्यम आकार की छोटे बालों वाली कुत्ते की नस्ल है। 8 वुल्फ हाइब्रिड, इस ब्रीड को भेड़ियों और कुत्ते के मेल से बनाया गया है। इन डॉग्स को ज़्यादातर देशों ने बैन किया है। ये किसी पर भी अटैक कर देते हैं। इनके अटैक की वजह से अभी तक कई मौतों की खबर आ चुकी है। इनका वजन 36 से 56 किलो तक जाता है। 7 मालाम्यूट, ये ब्रीड उत्तरी अमेरिका में मिलते हैं। ये भेड़ियों की तरह दिखते हैं। इनका वजन ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलो तक जाता है। ये इंटेलिजेंट होने के साथ ही आक्रमण भी होते हैं। 6 हस्की, दिखने में बेहद क्यूट ये ब्रीड काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। वैसे तो इन्हें स्नेज डॉग कहते हैं, जो पहाड़ों पर बर्फ के ऊपर गाड़ियाँ खींचते हैं। लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये बेहद ही आक्रमण हो जाते हैं। इनका वजन 20 से 27 किलो के बीच होता है। 5 बुल मास्टिक, ये कुत्ते आक्रमण स्वभाव के होते हैं। इनके पैर काफ़ी लंबे होते हैं। बात अगर इनके वजन की करें तो इनका वेट 55 से 60 किलो के बीच होता है। ये कुछ कुछ पिटबुल जैसे ही दिखते हैं। 4 डॉबरमैन पिंचर्स, लिस्ट के चौथे नंबर पर है डॉबरमैन पिंचर्स। इनका भी इस्तेमाल पुलिस विभाग द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके साथ ही घरों में भी इन्हें पाला जाता है। कुत्ते के बारे में कहा जाता है कि ये अजनबियों को देखते ही भड़क जाते हैं। इसके बाद मालिक पर नज़र पड़ते ही शांत भी हो जाते हैं। इसे भी कई देशों ने बैन कर रखा है। 3 जर्मन शेफर्ड, इस ब्रीड के कुत्तों का इस्तेमाल ज़्यादातर पुलिस विभाग में होता है। इनके जरिए कई क्रिमिनल्स को पकड़ा जा चुका है। ये अपराधियों की खुशबू पकड़कर उन्हें पकड़वाने में मदद करते हैं। इनका वजन 30 से 40 किलोग्राम के बीच होता है। यह भी कई देशों में प्रतिबंधित है, हालांकि इसमें भारत शामिल नहीं है। 2 रॉटवेलर, कुत्तों की यह नस्ल अपनी फुर्ती के लिए जानी जाती है। यह बेहद शक्तिशाली होती है और किसी को भी झट से काट लेते हैं। इनका वजन 35 से 48 किलोग्राम के बीच होता है। इसे पालने पर भी कई देशों में प्रतिबंध लगा हुआ है, हालांकि भारत में इसे कई घरों में पाला जाता है। 1 बिटबुल, इस लिस्ट में सबसे ऊपर इसी कुत्ते की ब्रीड का नाम आता है। ये बेहद ही आक्रमण होते हैं। इनका वजन आमतौर पर 16 से 30 किलोग्राम के बीच होता है। आपको बता दें कि दुनिया के करीब 41 देशों में इस नस्ल को पालना बैन है। ये वैसे तो पालतू हैं, लेकिन गुस्सा आ जाने पर ये किसी के नहीं होते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।